फाइंडिंग समथिंग वैल्यूबल आप अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यूबल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाने वाले हो बहुत सारे ट्रेजर आने वाला है पैसा आने वाला है कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वो पैसा आ सकता है कैप्रिकॉन्स आप कुछ ट्रेजर खोल रहे हो इसका मतलब आपके कुछ साइकिक इंट्यूटिव चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और आपको पता चल चुका है वो ड्रामा आप खोल रहे हो लोगों को इम्पार्ट कर रहे हो उसके बारे में आप साइकिक भी बन सकते हो क्लेबॉइंट बन सकते हो आने वाले टाइम में कुछ हिडन ट्रेशर आपको मिल सकता है आपकी फ़ैमिली की तरफ से आपका प्रॉपर्टी मैटर्स अटका हुआ है तो वो आपकी तरफ आ सकता है एंड कुछ पैसे आपको अपने पॉकेट में मिल सकते हैं कहीं रखे हुए ऐसा भी हो सकता है सिंगल्स कुछ टाइप का यू नो विंडफॉल आने वाला है पैसों का विंडफॉल आपकी तरफ आने वाला है पार्टनरशिप में काम कर सकते हो या फिर एलोन आप काम कर रहे हो वहाँ से आपका मनी रेस uh, प्रमोशन कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है देखिए अभी राइट नाउ करंटली सिचुएशन ये है कि आप ड्राउन कर रहे हो आपको ड्राउन नहीं होना है आप बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहे हो आपको लग रहा है कि फिनासेस ठीक नहीं हो पा रहे हैं बट इस मंथ में मोस्ट प्रोबली ये चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं ड्राउन नहीं होना है नेगेटिव नहीं सोचना है इमोशनल नहीं होना है रोना नहीं है बिल्कुल भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपको जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप यू you नो know, बहुत ज़्यादा सैड हो इस सैड स्टेज से आपको निकलना है उसके लिए मैंने आ, वीडियो बनाए हैं आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा जैसे आप अपना इनर वर्क करोगे इस नेगेटिव एनर्जी से आप निकल जाओगे इस महीने शॉपिंग जैसे मैंने बताया कुछ पैसे आने वाले हैं कहीं से उस पैसों से आप हल्का फुल्का शॉपिंग कर सकते हो थोड़ा लाइट माइंड रखने के लिए आप, आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा आपको बहुत यू नो फील हो रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड एंड यू आर बॉड तो कुछ आप थोड़ा सा शॉपिंग करने जा सकते हो उससे आपका माइंड ठीक हो सकता है थोड़ा हैप्पी हो सकते हो आप आप मे भी इस महीने आप शॉपिंग मॉल जा सकते हो डिपार्टमेंट स्टोर जा सकते हो मार्केट जा सकते हो हल्का विंडो शॉपिंग कर सकते हो एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कपड़े आप खरीदोगे ओके एंड फूड और ड्रिंक में भी आप थोड़ा सा इंडल्ज होगे इस महीने एंड uh, थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी ज़िंदगी से बिकॉज ऑफ द पैंडमिक एंड ऑल दैट हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा हो तो आप थोड़ा सा शॉपिंग करने बाहर निकलिए हल्का सा ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का आप निकलिए ठीक है थीके? अब आगे देखते हैं सिंगल्स की लाइफ में क्या होने वाला है इस महीने में गई okay सो so, सबसे पहला कार्ड है वेल well बींग आपकी अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पास्ट में आपका तबीयत में यू नो सुधार नहीं था जिसके भी यू नो केप्रिकॉन सन मून राइजिंग वीनस में आता है आप वहाँ से उठने वाले हो कोई आप नया डॉक्टर ढूंढने वाले हो आपकी हेल्थ ठीक होती हुई नजर आ रही है आप, आप आपका सिचुएशन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे अप्रैल मंथ में नेक्स्ट है आपका ब्यूटी आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हो आप अगर थोड़े से फैटी हो थोड़े से अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे थे इस महीने आप काफ़ी ध्यान दोगे एक्सरसाइज में इंडल्ज होगे हेयर आर्टिस्ट भी बन सकते हो कुछ लोग कुछ लोग अपने बॉडी पे वर्क करोगे या फिर किसी टाइप का ब्यूटी पेजेंट जीत सकते हो या इट इज़ पॉसिबल कि आप कहीं पे यू you नो know, ड्रेसिंग के लिए यू नो ऑडिशंस थे या फिर आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल में कुछ ड्रेस से रिलेटेड हेयर से रिलेटेड कुछ करते हो ब्यूटी से रिलेटेड वो भी आप अपना शुरू करने वाले हो जैसा मुझे नज़र आ रहा है हेल्थ आपकी ठीक होने वाली है अगर ख़राब थी तो नहीं तो ऑल टुगेदर यहाँ पर अप्रैल मंथ आपके लिए अच्छा ही नज़र आ रहा है फुल मून के रिचुअल आपको इस महीने करने पड़ेंगे उससे आपके मैनिफेस्टेशंस यू नो फ्रूशन में आ सकते हैं प्रोटेक्शन यहाँ पे आ चुका है तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट होने वाले हैं यू कैन सी दैट दिस लेडी इज़ कैरिंग दिस वर्ल्ड इन हर वूम ओके आपका बेबी बॉय आने वाला है कुछ लोगों का अगर बहुत टाइम से आपका बेबी नहीं आ रहा था आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो इस महीने कुछ लोग केप्रिकॉन कंसीव कर सकते हो और जो लोग यू नो सिंगल्स हैं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है एक लेडी के थ्रू दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ठीक है गाइस एंड uh, यहाँ पे आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते अगर ठीक नहीं थे वो सुधरेंगे और काफ़ी क्लोज़ आ जाओगे अपने मम के साथ आपकी मदर आपको प्रोटेक्ट करेंगी अगर कुछ ईविल लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आपकी मदर आपको प्रोटेक्ट करेंगी जो मुझे नज़र आ रहा है एंड या ऑल दीज थिंग्स आर देयर बाकी आगे देखते हैं वॉट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू सिंगल्स केप्रिकॉन जो लोग सिंगल्स नहीं है वो भी देख सकते हैं कोई बिग बात नहीं है ये ओके इन्फिनाइट देखिए फर्स्ट कार्ड इन्फिनाइट है आप सरदार हो सकते हो आप पंजाबी हो सकते हो पॉसिबल बहुत सारे लोग यहाँ पे एंड आप हो सकता है गोल्डन टेंपल जाने वाले हो समथिंग लाइक दैट या फिर आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है जो सरदार हो या पंजाबी हो कटसट हो एनी थिंग विच कैन हैपन दिस मंथ एंड आप गोल्डन टेम्पल उनके साथ जाएँ समथिंग लाइक दैट कुछ लोगों के लिए या फिर आप काफ़ी रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने वाले हैं आप गोल्डन टेम्पल जाने वाले हैं इस मंथ में यू you नो know, मत्था टेकने वाले हैं वहाँ जाके एंड ऑल दीज थिंग्स इन्फिनिट यहाँ पर दिखा रहा है इन्फिनिट चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं यू नो बट आपको उसके लिए डेफिनेटली अपने रिचुअल्स करने पड़ेंगे उसी से ही ये सारी चीज़ें आ सकती है पॉजिटिव रहना पड़ेगा तो आप रिलीजियस होने वाले हो इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भगवान जी से काफ़ी कनेक्ट करने वाले हो एक चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है वो है आपका एंगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है केप्रिकॉन्न उस चीज़ पे आपको वर्क करना है वो तो केप्रिकॉन्ट को आता ही है गुस्सा जनरली तो उस चीज़ पे आपको डेवलप करना है अगर आपको कोई एंगर इश्यूज़ है आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हो अदरवाइज आपको यू you नो know, लस्ट से दूर रहना है इस महीने आपको अपने एंगर पे काम करना है यू हैव टू वर्क ऑन योर एंगर ठीक है इस महीने आपको हल्का फुल्का गुस्सा कोई दिला सकता है तो उस चीज़ पर आपको वर्क करना है नेक्स्ट है आपका सक्सेस तो सक्सेसफुल आप होगे जैसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस महीने कुछ सक्सेस आपको मिल सकता है आ, अगर आप किसी पॉलिटिशियन के लिए आपने ट्राई किया है तो वो आपको सक्सेसफुल होगा आप रिलीजियस बहुत हो जाओगे इस मंथ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोग यहाँ पे पहाड़ी पंडित हो सकते हैं दैट्स ऑलसो पॉसिबल आप भगवान जी को डे एंड नाइट बुलाने वाले हो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड टेम्प्रेरी लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाने वाले हो और आपकी तरफ सक्सेसफुल कुछ चीज़ें आने वाली हैं मे बी किसी टाइप का एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपको काफ़ी पैसा दे सकता है जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओके अब आपके दूसरे कार्ड्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा इसमें ठीक है भाई ओके सो फर्स्ट आपका कार्ड है लॉयल गार्डियन मुझे लग रहा है कि आपका कोई गार्डियन एंजल हो सकता है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपका डॉग आपको प्रोटेक्ट कर सकता है किसी एक्सीडेंट से या फिर कोई भी चीज़ आपके ऊपर अटैक करने वाली है तो आपको एक लॉयल फ्रेंड भी मिल सकता है इस महीने ऑनलाइन मिल सकता है जिससे आपकी बातचीत काफ़ी अच्छी रहेगी एंड वो इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे शायद आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कुछ लोग आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं नारसीसिस लोगों के साथ आप डील कर रहे होंगे तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे जो मुझे नजर आ रहा है इनका सनसाइन लियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फर्स्ट फ्यू पीपल एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ आप अपना पेट खरीदने वाले हो जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड आपके गार्डन एंजल तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं स्ट्रेंज कंपेनियन इन स्ट्रेंजर प्लेसेस तो कुछ चैलेंजेस इस मंथ आ सकते हैं कुछ लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं ईट में लिखा है तो कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं बट आपको अपना काम रहना है आपको गुस्सा नहीं होना है कुछ लोग आपको छेड़ सकते हैं चैलेंजेस आपकी तरफ थ्रो कर सकते हैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है दोस्त हो सकती है कोई लड़कियां हो सकती हैं या लड़के भी हो सकते हैं तो आपको उससे डरना नहीं है अगर आप एक रीडर हो तो कुछ लोग आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे अपना इमेजिनेशन यूज़ करना है अपना खुद का कंटेंट बनाना है अगर आप बनाना चाहते हो नहीं तो जो भी है आपका नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा एंड कुछ स्ट्रेंजर्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जैसा मुझे आने नजर आ रहा है कुछ स्ट्रेंजर्स आप पे पूरा पूरा स्पाई करते हैं आपके सारे सोशल मीडिया पे वो भी आपको ध्यान रखना है द मेड ऑन इमर्शन आप मरमेड की तरह इमर्स होने वाले हो इन द सेंस की जो मरमेड होती है वो पानी के अंदर रहती है ओके okay? और वहाँ से इमर्स होती है बार बार बाहर आती है कभी कभी यू नो सांस लेने के लिए ठीक है तो आपको किसी टाइप का कमिटमेंट मिलने वाला है नंबर फोर्टी फोर आपको बहुत ज़्यादा आपके मोबाइल पर दिखता होगा ट्वेंटी एट अभी आपकी एज हो सकती है थर्टी थ्री हो सकती है कुछ लोगों के लिए थर्टी थ्री नंबर आपका लाइफ पाथ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मास्टर नंबर दिखता होगा आपके मोबाइल पे तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी कुछ लोग आने वाले हो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ठीक है गाइस अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ आपके टैरो की तरफ चलते हैं और टैरो से पूछते हैं कि बेसिकली आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है बॉटम ऑफ द डेक है आपका सिक्स ऑफ कप्स सो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से इस महीने मिलने वाले हो एंड अगर आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो मैट्रीमोनल साइट्स पे आपका नाम है या फिर किसी भी टाइप का आप कहीं से बात कर रहे हो किसी से कोई रिश्ता आया है तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है पिछले जन्म में आप दोनों की शादी हुई थी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फुल मून के दिन आप इस महीने इस इंसान से मिल सकते हो काफ़ी प्लेजर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में एंड रीयूनियन कुछ लोगों का हो सकता है अपने एक्स के साथ दैट इज ऑल्सो पॉसिबल अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं सेट ऑफ़ कार्ड्स तो आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो वो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं एरी लियो सैच के साथ आप डील करने वाले हो लिब्रा uh, के साथ लिब्रा जमुना एक्वेरियस है यहाँ पे एरीस लियो साज है यहाँ पे सबसे हैवी एंड पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी है आपका फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है प्रिंस ऑफ वांट्स एंड जजमेंट एंड टू ऑफ वांट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपको बहुत सारे लोगों ने जज किया है एंड बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में थे और उनको नारसिसिस लोगों के साथ डील करना पड़ा जिन्होंने आपको हमेशा टू ऑफ वांट्स की एनर्जी में रखा इन डिसीजन की एनर्जी में रखा डोमिनियन एनर्जी में रखा तो आप हमेशा ऐसा फील करते हो कि आपको कोई मिल नहीं रहा है एक अच्छा रिलेशनशिप एक सोलमेट को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्रिंस ऑफ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ट्स आ गया यहाँ पे तो डेफिनेटली एक लड़की आने वाली है लड़का आने वाला है जो काफ़ी पैशनेट होगा आपके लिए एंड डेफिनेटली आपका यहाँ पे जजमेंट आ गया तो ये इंसान को एंजल्स आपकी तरफ भेजने वाले हैं ये आपके सोल फैमिली के हैं आपका इनके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ठीक है एंड जो भी आपका टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में थे वो एनर्जी हटने वाली है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और ये इंसान आपको काफ़ी पैशन और प्यार दे सकते हैं डिसीजन आपकी ज़िंदगी में बना सकते हैं uh, उसके बाद हम लोग प्रोफेशन और हेल्थ की तरफ लास्ट में चलेंगे ठीक है आपका जो सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स है वो है सेवन ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि फाइव ऑफ कप्स के साथ आपको यू you नो know, हमेशा लोग धोखा दे देते हैं केप्रिकॉन्स के साथ ऐसे ही होता है उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा खराब रहती है मोस्ट प्रॉब्ली आपने हमेशा वारी उठाया है अपनी जिंदगी में जो भी दोस्त बनाते हो वो चीट कर देते हैं जिसको भी अपना मानते हो वो चीट कर देता है शादी जिससे हुई उसने चीट कर दिया कुछ लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी वैसे तो सिंगल्स की रीडिंग है और जो भी होता है आपको लोग चीट करके धोखा देते हैं आपको लेफ्ट आउट इन द कोल डाल देते हैं ऐसा हिसाब किताब रहता है हमेशा आप रोते हो वरी में रहते हो बट यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाले हैं या वो ही सिक्स ऑफ कप्स वाला लवर जो है वो आने वाला है ये लड़का इस लड़की के <laughs> गले पे किस कर रहा है तो काफ़ी पैशन होगा आप दोनों के बीच में क्रिसन मून के दिन भी आप इस इंसान से मिल सकते हो इस महीने वो आप चार्ट्स में चेक कर सकते हो क्रिसन मून कब है तो आप दोनों को स्विमिंग का शौक़ हो सकता है ये इंसान आपको चीट नहीं करेगा इसके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगा ये बोल चाल में बहुत तेज़ होगा बोलता ज़्यादा होगा ये लड़का ये लड़की जो भी होगी ठीक है क्लियर रखेंगे ये आपके साथ कोई किसी तरीके का यू नो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आने नहीं देंगी जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ठीक है अब आपका लास्ट सेट ऑफ कार्ड है एस ऑफ कप्स सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एंड द एम्परा कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेसर आपके मैनेजर आपके सीईओ ऐसे कोई हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हो दैट्स पॉसिबल एज में बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये लड़का आपसे एज में छोटा हो सकता है लड़की छोटी हो सकती है सिक्स ऑफ वॉन्ट्स के साथ इस इंसान को आपके साथ हमेशा विक्टोरियस फील होगा ये आपको ये आपको हमेशा विक्ट्री फील कराएगा आपके घर एक रिश्ता लेके आ सकता है ये इंसान इंसान के साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है सिंगल्स जो मुझे नजर आ रहा है एंड एम्प्रेस सॉरी एम्परर नहीं था ये एम्प्रेस है ठीक है तो केपरीकॉन आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्स है तो इस इंसान के साथ आपका एक शादी फिक्स हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में एक बच्चा आ सकता है एंड एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में बेानतहा मोहब्बत होगी इमोशनल बंदा होगा ये ठीक है फायरी भी होगा बट इमोशनल होगा इसके चार्ट्स में स्पाइसीस कैंसर स्कॉर्पियो भी हल्का फुल्का होगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका बहुत ही अच्छा रीडिंग है जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई भी नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ठीक है अब अगर हम आपके प्रोफेशन की तरफ चले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू ऑपरचुनिटी आपकी तरफ आने वाला है जो एंजल्स आपकी तरफ भेजेंगे ठीक है प्रिंस ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पे तो एक छोटा ऑपरचुनिटी एक छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा या फिर एक छोटी सी जॉब हो सकती है जो आपको अभी राइट right नाउ जो आपके पैनडेमिक में प्रॉब्लम्स चल रही हैं हेल्थ वेल्थ को लेके उसको ठीक कर सकती हैं आपके पैसे बहुत ज़्यादा लोग कहीं डूब गए हैं या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से आपको मिला नहीं उधार दिया वो आपको मिला नहीं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सो so डेफिनेटली एक ऐसा कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है जो इस यू नो लॉस से आपको निकाल देगा मुझे लग रहा है पाँच साल से आपके फाइनेंस बिल्कुल ठीक नहीं है कुछ लोगों के लिए और वो कम्युनिकेशन आपको खुश कर देगा और वो पार्टनरशिप में भी आप कर सकते हो या फिर सेवन ऑपरचुनिटीज सेवन जॉब ऑपरचुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाला है एक गवर्नमेंट जॉब का लेटर भी हो सकता है जो आपकी तरफ आने वाला है इंटरव्यू का कॉल हो सकता है जो आपकी तरफ आएगा जो आपको खुश कर देगा और आपके फिनांसिस में इंक्रीज़ आएगा इस महीने जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अदर देन दैट आप अपने एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे इस महीने एंड यू नो कुछ शॉपिंग वॉपिंग आप करने जा सकते हो कुछ पैसे कहीं से आएंगे आपकी तरफ वो आपके में था ही जब हमने और अकल लिया था तो कुछ टाइप का वेल्थ आपकी तरफ आने वाला है तो अब बॉन्डेंट तो बॉन्डेंट फील करोगे आप काफ़ी इस ऑपॉरचुनिटी की वजह से आप फुलफ़िल्ड फील करोगे जैसा मुझे नज़र आ रहा है इस महीने आप विक्टोरियस होके खड़े होगे जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको किसी टाइप का पेजेंट आप जीत सकते हो या फिर किसी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर एक रेस और प्रमोशन आपकी तरफ आ सकता है या फिर ऑल टुगेदर ये एक न्यू ऑपरचुनिटी है जो आपको काफ़ी कंटेंट बना देगा और आपके मनी में रेस लेके आएगा ठीक है अब चलते हैं आपके हेल्थ की तरफ तो देखते हैं कि हेल्थ क्या कहता है आपका देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी हेल्थ में थोड़ी सी डगमगा गया होगा हेल्थ आपका बिकॉज ऑफ द फाइनेंस या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो आप तो वो टेंशन नहीं लेना है ठीक है आपके हेल्थ में थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ द कर्मा एंड ऑल दैट जजमेंट आ गया है तो वो सुधरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विथ प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स अगर आपकी तबीयत थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ख़राब भी थी वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर एंड कुछ लोगों के यहाँ पे रियली में तबीयत ख़राब है ओके आप बिल्कुल ही ठीक फील नहीं कर रहे हो अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो वो ठीक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है अगर आप चाहें तो अपना डॉक्टर चेंज कर सकते हैं और अच्छी जगह से दवाइयाँ ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप अपना इलाज करा सकते हैं जिससे कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं ठीक है गाइस एंड लास्ट आपका एम्प्रेस इस मंथ के एंड में आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे अगर आपको किसी टाइप का यू नो थायराइड का प्रॉब्लम है या फिर किसी टाइप की कोई छोटी मोटी बीमारी है जो दवाइयों से ठीक हो सकती है तो एम्प्रेस की जगह आप बैठोगे या फिर आपको कंसीव होने में दिक्कत हो रही थी वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती बच्चे का बर्थ कंसम्पन भी हो सकता है जो लोग मैरिड Uh, है इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड सिक्स ऑफ वॉन्स के साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपकी तबीयत में सुधार होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है ओके गाइस सो वेरी नाइस रीडिंग जो मुझे यहाँ दिख रहा है अब देखते हैं आपका एडवाइस uh, कार्ड क्या कहता है लेट्स सी वॉट एडवाइस इस महीने देना चाहता है केप्रिकॉन के लिए कोयला स्पिरिट स्पिरिट हास प्लान एक प्लान बना रहे हैं तो आपको डरना नहीं है जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं अगर हेल्थ में है वेल्थ में है या फिर लव लाइफ में है वो चीज़ें स्पिरिट अपने आप प्लान कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपका कोई एक स्पिरिट गाइड है जो आपके साथ है वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्पिरिट गाइड है नंबर थर्टी फाइव आपकी एज हो सकती है फाइव सिक्स सेवन एट एट आपका लाइफ पाथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए या फिर एट नंबर लियो को रिप्रेजेंट करता लियो के साथ आप डील कर सकते हो इस औ, इस मंथ में अप्रैल में औ, या फिर अगस्त में आने वाले अगस्त में आप डील कर सकते हो ठीक है एंड या ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे दिख रहा है एंड आपको डरना नहीं है बिल्कुल ये जो प्लान है ये प्लान के हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से और आपको अपनी चीज़ें इस मंथ पॉजिटिविटी होते हुए नजर आ रही है मिलती हुई नज़र आ रही है ठीक है गाइज सो दिस वॉस योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज अब सपॉन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू के कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल व्हाट्सअप एवरीथिंग इज मैंशन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच आई 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 लव योर्स यू 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 द नेक्स्ट वीडियो बाय